महम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बलराज कुंडू ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया। शुक्रवार को भाजपा सुप्रीमो बलराज कुंडू ने महम हलके के सिंहपुरा गांव में डोर टू डोर कैंपेन किया। बलराज कुंडू ने लोगों का भारी आशीर्वाद और समर्थन मिलने का दावा किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र पर बलराज कुंडू ने कहा कि सदियों से दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र आ रहे हैं और जनता को इनके घोषणा पत्रों की हकीकत पता है। बलराज कुंडू ने कहा कि उनका मुकाबला सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति से है। कुंडू ने अपनी जीत को पक्का बताते हुए कहा कि इस बार उनकी जीत का मार्जिन कम से कम 50,000 पार होगा। बलराज कुंडू अपनी पार्टी उनकी जो भाजपा है उसके सुप्रीमो हैं और महम के आज सिंहपुरा गांव में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया है। बलराज कुंडू का ये दावा है कि उन्हें लोगों का आशीर्वाद और भारी जन समर्थन मिल रहा है और एक बार फिर से उनकी जीत यहां पर पक्की है। बलराज कुंडू ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला है, कहा कि दोनों ही पार्टियां सदियों से अपना घोषणा पत्र जारी करती है लेकिन जनता इनके घोषणा पत्र की हकीकत जान रही है। इनके मैनिफेस्टो सदियों से आते रहे हैं। जनता जनता को पता है ये मैनिफेस्टो कितने सच्चे होते हैं। ये तो यहाँ आत्मा से जन सेवा का भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति से तो शमशेर तो कह रहा है कि हम जीतेंगे राज अलावा क्या। अरे यार बेचारों को कहने से भी रोकोगे क्या आप? कम से कम कहने तो दो। आपको 1,00,000 पार का लक्ष्य है, 50,000 में सारे 1,00,000 पार। पिछली बार आपकी बार बढ़ रहा है क्या? क्या था क्या आपकी बार 50,000 से लीड होने वाली? मेरा दफ्तर महम में है, मेरा घर महम में है, मेरी वोट महम में है, मेरी जमीन महम में है, और क्या चाहिए महम तो होने के लिए। इस प्रकार की बातें विपक्ष के लोग, ये चारों तरफ मेरा पूरा महम मेरा परिवार है।